अस्सलामुअलैकुम माय डियर यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको टेक्नो की तरफ से न्यू लॉन्च की जाने वाली डिवाइस टेक्नो पोवा 2 के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप भी बहुत कम बजट में अच्छी गेमिंग करना चाहते हैं तो ये डिवाइस आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको टेक्नो पोवा 2 की तमाम स्पेसिफिकेशन के बारे में बताऊंगा और उसकी लॉन्चिंग डेट और उसकी पाकिस्तान में प्राइस के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक देख लेना। इस वीडियो में मैं आपको इसकी मुकम्मल स्पेसिफिकेशन के बारे में बता दूंगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के निशान पर क्लिक करके ऑल को सिलेक्ट कर लें। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलो दोस्तों, बिना टाइम जाए के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन के डिजाइन की बात कर लें तो इसका डिजाइन अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। तो उसके बाद इसके मटेरियल की बात कर लें तो इसमें आपको प्लास्टिक की बैक देखने को मिल जाएगी और इसके बैक पर आपको क्वाड कैमरा सेटअप भी देखने को मिल जाएगा। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आपको फ्रंट पर डुअल सेल्फी देखने को मिल जाएगी। इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले की बात कर लें तो चूंकि ये डिवाइस गेमिंग के लिए होने वाली है, इसलिए इसमें आपको 6.9 इंच का डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा जो कि आईपीएस पैनल के साथ होगा। और ये डिस्प्ले 16 हर्ट्ज का होगा और इसकी रेजोल्यूशन की बात कर लें तो 1080p की रेजोल्यूशन इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस मोबाइल के सॉफ्टवेयर की बात कर लें तो इसमें आपको एंड्रॉयड 11 देखने को मिल जाएगा और साथ ही हाईएस्ट ओएस टेक्नो का यूआई आपको इसमें इंस्टॉल्ड देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस मोबाइल के स्टोरेज की बात कर लें तो इसमें आपको 6GB रैम और 128GB स्टोरेज देखने को मिल जाएगी और साथ ही ये मोबाइल माइक्रो एसडी कार्ड को भी सपोर्ट करेगा। इसके चिपसेट की बात कर लें तो इसमें आपको मीडियाटेक हेलो G19T चिपसेट देखने को मिल जाएगा जो कि गेमिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। इसकी बैटरी की बात कर लें तो इसमें आपको 7000mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी और साथ ही आपको 30 या 33 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस मोबाइल के कैमराज की बात कर लें तो आपको बैक पर एक 48 MP का लेंस देखने को मिल जाएगा और साथ ही आपको एक 5 MP का लेंस देखने को मिल जाएगा और 2 MP के दो लेंस आपको देखने को मिल जाएंगे और फ्रंट पर आपको 8 MP का लेंस देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन की पाकिस्तान में लॉन्चिंग की डेट के बारे में बात कर लें तो ये डिवाइस जो है बहुत जल्दी इंडोनेशिया और मलेशिया की मार्केट में लॉन्च हो जाएगी और साथ ही अफ्रीका की मार्केट में भी लॉन्च होगी। और पाकिस्तान में ये जो डिवाइस है वो फरवरी के आखिर में या मार्च के शुरू में लॉन्च होगी। तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन की प्राइस के बारे में बात कर लें तो इसकी प्राइस जो है वो 32,000 से लेकर 34,000 के दरमियान में होगी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।